हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजय और ये है मेरा पहला व्लॉग। और इस व्लॉग में मैं कवर करने जा रहा हूँ तिरमाहानी मेला को। ये तिरमाहानी मेला क्यों फेमस है, आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पर, बहुत अच्छा माहौल है। और तिरमाहानी मेला क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर गंडक नदी और बागमती नदी का मिलान होता है, संगम होता है, इसलिए यहाँ पर ये मेला आयोजित किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी भारी मात्रा में यहाँ पर लोग उपस्थित हैं। इनसे पूछते हैं, ये हमारे साथ यहाँ पे पाए गए हैं, यहाँ पे मिले हैं, फ्री में घूम रहे थे तो इनको मैंने पकड़ा है, तो ये कुछ शब्द बोले। यहाँ पे हर साल मेला लगता है, तो यहाँ पे सारा सामान मिलता है, लकड़ी का, फर्नीचर का, पुराना सामान होता है, पुराना से पुराना सारा चीज यहाँ पे मिलता है। अच्छा, तो आप खरीदारी करने आए हैं? नहीं, यहाँ मेरा घर है। ये है वो बूढ़ी गंडक नदी, बड़ा ही खूबसूरत दृश्य है। यहाँ पर लोग गंगा स्नान के दिन इस नदी में डुबकी लगाने आते हैं और अपने आप को पवित्र करते हैं। बड़ा ही खूबसूरत नजारा होता है उस समय, और वही समय से ठीक एक महीने तक इस जगह पर मेला आयोजित किया जाता है। अभी उतनी भीड़ नहीं दिख रही है यहाँ पर कोरोना की वजह से, वरना यहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि यहाँ चलना मुश्किल हो जाता है। और ये जो पतली सी संकरी जगह देख रहे हैं जिसमें पानी आ रहा है, दरअसल यह बागमती नदी का पानी है और यहाँ आकर इस बूढ़ी गंडक नदी में मिलती है, इसलिए इस मुहाने के नाम पर इस मेले का नाम तिरमाहानी मेला रखा गया है। चलिए अब मेले के कुछ दृश्य देखते हैं। मेले में तरह तरह के खान पकवान आपको मिल जाएंगे और बच्चों के लिए यहाँ बहुत सारे खिलौनों के दुकान दिख जाएंगे। भगवान की भक्ति में डूबे कीर्तन करते हुए ये लोग माहौल को भक्तिमय बना देते हैं। बच्चों के लिए भी झूले की और खेलने की व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं कि ये बागमती नदी की ये छोटी सी धारा है, बहुत चौड़ी नदी है बागमती की, लेकिन ये सूख चुका है। मैं बिल्कुल ठीक नदी के बीचों बीच खड़ा हूँ और यहाँ से आप देख सकते हैं ये नदी इतनी सूख चुकी है कि एक सिर्फ नाले के द्वारा ये प्रवाह हो रही है। तो आप ये देख सकते हैं, और ये बागमती नदी और आगे जाने पर गंडक नदी आपस में मिलती है, और यही मिलन के कारण ही यहाँ पर ये मेला आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों, आपने इस मेले का खूबसूरत नज़ारा तो देख ही लिया होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।